नमस्कार दोस्तों, एमसीजी एकेडमी ग्वालियर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, आरपीएफ के टेट टेस्ट चल रहे हैं और लगातार मैं आप लोगों के लिए अपडेटेड जो है वीडियो लेकर के आ रहा हूं। तो आज है आप लोगों का 31 अगस्त। 31 अगस्त का जो है एक्सपीरियंस वीडियो लेकर के आया हूँ। आज कुछ बच्चे जो है अभी अभी एग्जाम सेंटर से बाहर निकले हैं या कुछ बच्चे तो अभी घर पहुँचे हैं, तो उन लोगों ने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है। तो आप लोगों के लिए वन डे लेट है और मैं आपको बताना चाहूँगा एक्सपीरियंस वीडियो का 75 पार्ट है। इससे पहले 74 वीडियो मैं आप लोगों के लिए अपलोड कर चुका हूँ। तो आप लोगों के लिए हर एक वीडियो इंपॉर्टेंट है, हर एक वीडियो से आप लोगों को कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। सो प्लीज़ मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करता हूँ, हर एक वीडियो को देखिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूँगा, इस चैनल पर जो हमारी एकेडमिक क्लास शुरू हो चुकी है, तो कल से सिर्फ आप लोगों को एमसीजी डिफेंस एकेडमी पर ही मेरी वीडियो उपलब्ध होंगी। इस चैनल पर हमारी रेलवे की और टीचिंग लाइन की जो क्लासेस हैं और साथ ही साथ 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 तक की जो एकेडमिक क्लासेस हैं शुरू हो चुकी हैं, टीचर पढ़ाने लगे हैं। लेकिन उस वाले चैनल पर आप लोगों को डिफेंस रिलेटेड कोई भी फ्यूचर कोई भी वैकेंसी निकलती है, सारी की सारी जॉब अलर्ट आप लोगों को उसी चैनल पर दिया जाएगा। तो उस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना है और इस वीडियो को पूरा अंत तक ध्यान से सुनिएगा और इसी बहुत ही प्रॉफिटेबल आप लोगों के लिए होने वाला है। धन्यवाद दोस्तों, सुनिएगा पूरा ध्यान से और अंत तक। हाँ नमस्कार सर, मैं एमसीजी एकेडमी ग्वालियर से बात कर रहा हूँ सर। जी सर। सर जो है आपका आज आरपीएफ का ट्रेड टेस्ट हो गया ना सर? जी सर। सर आप जो है अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हो अपने भाइयों के साथ? जी सर। सर बताइए किस प्रकार से वहाँ पर क्या क्या हो रहा था और सर मेरा आपका शुभ नाम क्या है सर? मेरा नाम सिंटू कुमार है। सिंटू कुमार जी, तो आप कहाँ के रहने वाले हो? बिहार से। बिहार से हो, तो सर आपको किस प्रकार से पहुंचे और कैसे क्या स्टेशन से वहां तक पहुंचने का क्या तरीका, सब कुछ आपको अपने हिसाब से एक्सप्लेन करना है जिससे आपके भाइयों को कोई प्रॉब्लम ना हो। ओके सर जी, सबसे पहले हम हाँ सर बोलिए। हाँ हाँ सर कंटिन्यू बोलिए सर। उसके बाद क्या हुआ सर? सुबह में हम लोग 5:30 बजे एंट्री ली, मतलब आज? हाँ जी सर। और उसके बाद उन्होंने 20-20 का बैच बना दिया, तो एंट्री 5:30 बजे हुई, उसके बाद 20-20 का बैच बनाया ना। आईडी प्रूफ देखकर, आईडी प्रूफ में क्या क्या मांगा था सर? आईडी प्रूफ में मतलब हाँ सर, बायोमेट्रिक में क्या करवाया सर? बायोमेट्रिक में ओके सर। बाद उन्होंने मैच कराया, मतलब आपका मैच नहीं कर रहा था सर? नहीं सर, वो आधार कार्ड से लिंक है ना टोटल, हाँ। तो आधार हाँ सर हाँ सर। उसके बाद उन्होंने ट्रेड टेस्ट, हेलो हाँ 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 सर, ट्रेड टेस्ट और आटा गूंदने, फिर वही थाली को ले जाकर हम लोग को साफ करने के लिए भेज दिया। सबको एक एक थाली पकड़ाया और सबको थाली के लिए भेजा। तब तक एक नेक्स्ट बैच, हेलो हाँ हाँ सर कंटिन्यू, किसका छक्का था सर? थर्मस, जो थर्मस होता है ना बड़ा वाला, उसी का झक्कन से एक एक झक्कन, जिसमें लगभग 2 रोटी का आटा दिया। हाँ
सर दोबारा बोल सकते हैं सर, समझ नहीं आया मतलब क्या बोल रहे हो आप। जैसे उन जिसमें दो रोटी बन सकता था, आटा दिया सबको, हाँ सर पहले ही दे दिया, और उसको लेकर टेबल पर जाना है, बस ऐसे ही बताना है। हाँ सर, टेबल पर जाने के बाद उन और ग्लास रखा हुआ है ऑलरेडी उन्होंने, वर्कर पानी, और उन्होंने हाँ सर हाँ फिर हम तो सर आटा गूंदने में आप पास तो हो गए थे, लेकिन ये तो बताइए उसमें मतलब आप ये बोल रहे हो, कुछ बच्चों का कहना है कि आप जगह पर खड़े रहोगे वो आटा देने के लिए आते हैं, और आप बोल रहे हो कि मतलब आपको ढक्कन देंगे उसके बाद आटा देंगे, क्या सर आपको पहले ढक्कन दिया कि आटा? ढक्कन से वो दे रहे थे उसके स्टाफ, हाँ सर हम लोग को अपने से कोई आटा नहीं लेना है, और बोले थे हाथ भी नहीं लगाना है आटा। ओके सर हाँ, और वो टेबल पर जाने के बाद वो फिसल के बाद ही पहले, और वो फिसल पहले पहले बजाएंगे एक, उसके बाद 1 मिनट बाद वो फिसल बजाएंगे, आपको आटा छोड़कर एक डेग पीछे हो जाना है। हाँ सर ठीक है हाँ चेक करने के बाद उन्होंने मतलब तीन तीन लड़कों को इसमें से सिलेक्ट किया। हाँ सर उसके बाद क्या हुआ? और उन्होंने लगभग पौने एक के आसपास बैठाया, उसके बाद फिर उन्होंने 10-10 का बैच बनाया। कितने लोग मतलब टोटल कितने लोग जो है छट गए थे फर्स्ट राउंड में सर? फर्स्ट राउंड में मतलब 20 में से मेरे बैच में 3 आए, उसके आगे वाला बैच में 5 लड़के आए। हाँ उसके बाद उन्होंने मतलब आटा गूंदने के बाद उन्होंने मतलब उसमें जो क्वालिफाई हुआ उनको बैठाया, और सिग्नेचर और 2 अंगूठा लगाया गया। मतलब पहले क्वालिफाई हुआ उसके बाद एक बार और बायोमेट्रिक हुआ, ऐसा कहना चाहते हो क्या? नहीं सर बायोमेट्रिक नहीं, वो मतलब एक जो एक और फॉर्म था जो क्वालिफायर फॉर्म था उस पर उन्होंने सिग्नेचर और अंगूठा लिया। हाँ सर ठीक है। उसके बाद उन्होंने वहां पर बैठाया, और सभी बैच में लगभग 85 के आसपास, 85-90 के आसपास लड़का पूरा आया। उसके बाद उन्होंने उस बैच में से 10-10 का बैच बनाया, और ऑमलेट बनाने के लिए बोला सेकंड राउंड में, मतलब ऑमलेट बनवाया जा रहा है। हाँ ऑमलेट ही बनाया, ऑमलेट बनाने के लिए बोला, तो ऑमलेट के लिए बनाया हमने ऑमलेट। हाँ ऑमलेट ऑमलेट बनाए, और सर आए, उसके बाद उन्होंने मतलब कि उसका टाइम लिमिट नहीं था, मतलब ऑमलेट आपको बना देना है, सभी का बन जाता था, तब सर आते थे चेक करने। हाँ और ऑमलेट जब बन गया सर आए चेक किए, थोड़ा सा मेरा लाल हो गया था ज्यादा, तो हम वहां से फिर 1 बजे हमको तो वहां से फिर निकाल दिया। मतलब आपका लाल हो ज्यादा सिक गया था मतलब? जी वो थोड़ा सा ज्यादा ही मतलब लाल हो गया था एक साइड, दोनों साइड ऐसा सेकना था कि दोनों बराबर हो जाए, मतलब बराबर है। हाँ। ऐसा नहीं कि एक साइड मतलब ज्यादा कर दो और एक साइड मतलब ढीला ही रख दो। हाँ। तो उसके बाद उन्होंने मतलब बताया कि मतलब दोनों साइड होना चाहिए था, और उन्होंने उसमें से 3 लड़के को सिलेक्ट किया। हाँ। और बाकी 7 को मतलब छाड़ दिया। पहले तो आप पहले राउंड में तो आपका हो गया था। हाँ सेकंड राउंड में मैं बाहर हो गया। सेकंड राउंड में आपसे यही सब करवाया गया था ना? सेकंड राउंड के बारे में, चलो आप सेकंड राउंड तक तो पहुंचे, आप मुझे ये बताइए जिन बच्चों का सिलेक्शन हुआ तो उनके बारे में कुछ बता सकते हो, मतलब उन्होंने ऐसा कुछ खास क्या किया था जिससे उनका हो गया सिलेक्शन? उन्होंने खास क्या क्या कर सकते हैं सर, वो थोड़ा सा मतलब वो जो गैस है ना, गैस का थोड़ा सा मतलब वही प्रेशर थोड़ा ज्यादा हो जा रहा है, इसके कारण से मेरा थोड़ा सा हो गया था। हाँ। नहीं तो गैस पर कंट्रोलिंग रखे, गैस जो गैस की जो मतलब जो फोकस मतलब जो ताव है तो उसको मतलब कंट्रोल रखे। हाँ तो मतलब अच्छा बनेगा, उस पर कंट्रोल नहीं रहेगी तो जल जाएगी, वो छटेंगे पक्का ही छटेंगे।
ऐसा भी है क्या? जी सर। और ओके। उसके बाद उन्होंने मतलब थोड़ा देर बाद उन्होंने रिजेक्ट किया और थोड़ा देर और बैठा कर बाहर कर दिया। उन्हें बाहर कर दिया? जी सर। हाँ और उसके बाद मतलब वहाँ पर मतलब सभी डॉक्यूमेंट में सभी डॉक्यूमेंट मतलब फोटो को मतलब कोई बात उन्होंने हमने पूछा तो बोला कि नहीं आईडी प्रूफ कोई नहीं, सर्टिफिकेट पूरा होना चाहिए फोटो को। सर सर्टिफिकेट के लिए टाइम दे रहे हैं ये लोग क्या? सर्टिफिकेट नहीं हो तो टाइम दे रहे हैं ना? हाँ सर्टिफिकेट सर्टिफिकेट नहीं हो तो वो आपको मतलब बाद में फिर डेट देगा 2 या 3 दिन, उसके बाद आपको आना होगा। बोल रहा था कि सर्टिफिकेट नहीं है, ऐसे तो बोल रहा था कि सर्टिफिकेट नहीं तो बाहर कर दूंगा। हाँ। लेकिन वो अंदर में अधिकारी मतलब जाने के बाद बोला कि सर्टिफिकेट अगर मैट्रिक वगैरह पूछ लेता था। हाँ। पूछता था। हाँ। है ना, है ना, और पूछने के बाद ही अंदर मतलब बायोमेट्रिक के समय ही पूछा था। हाँ। हाँ। तो और इसमें कुछ खास मतलब नहीं, मैट्रिक और इंटर का मार्कशीट और जो मिलता है ना ओरिजिनल मार्कशीट पर सर्टिफिकेट वो होना चाहिए बस। और अगर SC ST चाहे OBC है तो उसके लिए आपको मतलब मतलब कास्ट सर्टिफिकेट होना अनिवार्य है वही सेंट्रल का। सर एक बंदे का कॉल आ रहा था सर मेरे पास, तो आप ये बताइए सर जो है डोमिसाइल कितना पुराना होना चाहिए सर? डोमिसाइल वहाँ पर बोल रहा था कि कम से कम डोमिसाइल 2 ईयर्स का, यानी लगभग 18 के शुरुआत से 19 का मतलब अभी तक का होना चाहिए। मींस जी सर 18 से 19 मतलब 1 साल पुराना होना चाहिए। हाँ 1 साल पुराना होना चाहिए। हाँ उन्होंने बोला, उन्होंने बोला कि 1 साल पुराना होना चाहिए। हाँ और जातीय मतलब आवासीय आपका स्टेट का चल सकता है। हाँ जातीय सेंट्रल की होना जरूरी है। जाती सेंट्रल की होना जरूरी है, वो भी कितनी पुरानी? जी सर कितनी पुरानी? वो मतलब वही 1 साल, 1 साल पुरानी होनी चाहिए। 1 साल सारे से सारे मतलब ज्यादा डॉक्यूमेंट, वैलिड 1 साल से ज्यादा पुराना कुछ भी नहीं ना? नहीं सर 1 साल से ज्यादा वो पुराने नहीं ले, 18 के पहले वाले नहीं ले रहे। 18 के पहले वाला किसी को नहीं ले रहे हैं? नहीं सर। अब सर थोड़ा मैं बच्चों के लिए जो है क्वेश्चन सेशन की ओर चलता हूँ, बच्चे जो है क्या क्या पूछ रहे हैं। जी सर। सर ये है कोई सुमन कुमार जी पूछ रहा है, हम सर हमने हिंदी का कास्ट सर्टिफिकेट OBC हिंदी में बनाया तो क्या दिक्कत होगी? हिंदी या इंग्लिश में सेंट्रल का है क्या? हाँ सेंट्रल सेंट्रल का है लेकिन हिंदी में है सर, उसे मतलब नहीं है वो काम करेगा वहाँ पर, वो बोल रहे थे सेंट्रल का, सर सेंट्रल का होना है। और इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ा ना? सेंट्रल का होना चाहिए, वो हिंदी हो या इंग्लिश इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है वहाँ पर, तो बोल रहे थे सेंट्रल। ऑमलेट के बारे में कोई स्पेशल जानकारी जी बच्चे ऑमलेट के बारे में बता रहे हैं पूछ रहे हैं मतलब? ऑमलेट के बारे में बस यही कहूंगा कि वो मतलब जो गैस का जो कंट्रोलिंग है उसको मतलब मतलब इतना हिसाब से करना है जिसमें वो जले ना, मतलब लाल ज्यादा ना हो एक तरफ, और ऑमलेट को बराबर मतलब इस तरह से मतलब करना है उसको कि मतलब दोनों साइड एक समान हो लगभग, और ऑमलेट में लाइट रहे, क्योंकि अगर हल्का जल जाने के बाद थोड़ा लाइट कम हो जाता है ऑमलेट। ऐसा? यस सर। हमने तो सर ऐसे ही किया, लेकिन सर आटा गूंदने के लिए कितना टाइम दे रहे हैं? कोई दीक्षा जी पूछ रहे हैं, दीक्षा पंडल नाम से कोई। क्या सर आटा गूंदने के लिए सर 1 मिनट का समय दे रहा है पूरे पूरी, ना ज्यादा ना कम। हाँ। पूरे पूरे 1 मिनट का समय दे रहा है, और विसिल जैसे ही बजा रहे हैं और उसके बाद जैसे 1 मिनट हो रहा है वो घड़ी वॉच उनके हाथ में है, वो देख कर ही मतलब लगा रहे हैं, ऐसा नहीं है कि मतलब वो। हाँ सर राम अवतार जी का सर एक और क्वेश्चन आया, ये बताइए सर कि क्या कहते हैं आप जैसे कि वो ऑमलेट बना रहे थे तो तवा कैसा था, मतलब स्टील वाला था या नॉर्मल जो अपन ठेले पर देखते हैं वो था? नहीं जो मतलब नॉर्मल जो हम लोग यूज करते हैं वैसा ही था, मतलब ये नहीं कि विशेष रूप से कोई अलग से था जो हम लोग। यस सर वो बिल्कुल ऐसा गोल में कोई दिक्कत नहीं, गोल आपका हो ही जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, बस आपको बस ध्यान रखना है कि उसको एक बार हल्का सा नचा दीजिए तो वो गोल हो जाएगा, और बस वही ताव पर मतलब उसको ध्यान रखें, मतलब वही मतलब ज्यादा मतलब हाँ हाँ सर बोलिए जी सर। हेलो। हाँ हाँ सर उसके बाद सर मतलब और क्वेश्चंस की ओर लेकर के चलता हूँ। जी सर। हाँ और
क्वेश्चन अगला क्वेश्चन मैं अगला क्वेश्चन है रुको पढ़ता हूँ सर, क्योंकि सारे बंदों की एक साथ ही मुझसे। सर एक बात बहुत बताओ सर, हम सहकारी हैं, हमें आज ऑमलेट बनवाया था सर। ये तो कोई नॉर्मल ही बात है, कोई बड़ी बात नहीं सर। मतलब सबसे यहाँ ऑमलेट और आटा ही गुंदवाया जा रहा है ना? जी सर। ओके, टाइम वीडियो बनाते ही समय ही मिलता था। अरे भाई, और एक और बात सर, साउथ के लोगों को अलग बैठा रहा है उन लोग को, शायद हमको लगा कि वो लोग को मतलब पहले ही बैच में से वो लोग बोले कि जो भी साउथ या बंगाल के हैं उनको बाहर का मतलब साइड किया, साइड बैच बनाया। क्यों? उनको लगा, हमको लगा कि उसको सांभर वगैरह बनाते होंगे या चावल वगैरह बनवाते होंगे। हाँ। हमें ऐसा मतलब लगा कि वो बोल रहे थे साहब कि ये लोग को सांभर या चावल बनवाया जाएगा साउथ वाले लोग, वो लोग को आगे बोलकर साइड करवा दिया। ऐसा? जी सर, वो आगे मतलब सवेर में ही मतलब फर्स्ट बैच भी नहीं गया था तब तक ही वो लोग को उनका कहना है कि 45 सेकंड का ही टाइम दिया था, ऐसा कैसे हो सकता है? 45 नहीं, कह तो रहे हैं कि एक मिनट की पूरी समय है, हम चूंकि हम वहाँ पर वो वॉच लेकर बैठे हुए हैं, वो अगर मतलब हम लोग बाहर से भी एक लड़का था उसका घर ही मिलाया तो एक मिनट दे रहे हैं, मतलब एक मिनट दे रहे हैं ना, राइट? हाँ, वो यही हो रहा है कि जो फिसल मार रहा है तो 2 सेकंड इधर उधर हो गया होगा। क्या सर, इसी यही मतलब हो रहा है, नहीं तो पूरे 1 मिनट देना है। सर प्रवेश कुमार जी का पूछना है सर, SC ST वालों का सेंट्रल का सर्टिफिकेट लगेगा या नहीं? सेंट्रल का लगेगा, SC ST को तो बिल्कुल लगेगा, OBC हो या ST सेंट्रल को जाएगी। सर ये आपका दिल्ली में था ना? जी सर, दिल्ली में था। दिल्ली में सर जी कुछ प्रवेश कुमार जी का फिर से एक और क्वेश्चन आया सर, मेट्रो स्टेशन पर पहुंचने के बाद जाना कहाँ पर है सर, जाने का कोई रास्ता थोड़ा बताओगे? सबसे पहले आप नई दिल्ली अगर जाते हो, क्योंकि मैं नई दिल्ली से गया था, नई दिल्ली से पैसेंजर ट्रेन जाती है वहाँ पर, वो विवेकानंद हॉल्ट जाएगी, विवेकानंद हॉल्ट को ही सराय रोहिला कहते हैं। एक्चुअली वो कहते नहीं है, वो उसी से मतलब जो उसका ओवर ब्रिज है वो सराय रोहिला और विवेकानंद हॉल्ट दोनों मतलब एक ही है, एक ही मतलब ओवर ब्रिज से दोनों जाते हैं, इसीलिए आप वहाँ पर आसानी से उतर जाइए। रात भर वहाँ पर खाने पीने की बहुत अच्छा व्यवस्था है और सोने का भी व्यवस्था अच्छा। ये सर बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि सर कल एक बंदे का कॉल आया था, उसका शायद मारपीट हो गई उसके साथ दिल्ली में, और मतलब शायद उसको मतलब कुछ बताया भी नहीं। और आप खास करके 3 बजे या 2 बजे उठकर मतलब अकेले या दो बंदे भी है तो मत जाया करो यार, उधर मतलब सुनसान कुछ रास्ता है तो वहाँ पर थोड़ा दिक्कत हो सकती है, हो सकता है तो आप गुट में जाओ 5-10 के तो सही रहेगा। हाँ ये भी आपका सही है, और हमने 5-10 के ही मतलब हम लोग 4 बजे भोर में निकले तो 3:30 में हम लोग चल दिए थे, तो 3-4 नहीं हम लोग 10 बंदे एक साथ गए थे, इसीलिए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हमने अनुभव किया कि सुनसान रास्ता था। इसलिए वो मतलब आप अकेले या 2 आदमी से आप नहीं जाओ तो बेहतर है। सर मेरा सर आपसे सर एक फीडबैक जानना चाहता हूँ सर, चैनल से आपको कोई हेल्प मिली मेरे चैनल से? जी सर, हमारे चैनल से कोई हेल्प मिली आपको? जी अभी तो नहीं, अभी तो मैं खाली सब्सक्राइब किया आपका और बस यही वीडियो अभी चल रहा था। तो इससे सर आपको कोई हेल्प मिली सर, आपको कुछ ऐसा लगा कि मतलब हाँ सर को कॉल करना चाहिए? जी सर, वो मिला था तभी तो फोन किए थे सर। हाँ ये भी आपको सर सिलेंडर पर रेगुलेटर कौन सा है? सर रेगुलेटर भी 2 प्रकार के आते हैं, एक बाल वाला आता है, एक नॉर्मल स्प्रिंग वाला आता है, कौन सा है सर? वो मतलब नॉर्मल वाला है। ये सर मैं नहीं बोल रहा हूँ सर, ये बंदों के हल्के हल्के क्वेश्चन आ रहे हैं। नहीं 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 सर, वो बिल्कुल सही बात पूछ रहा है, मतलब कोई विशेष नहीं है, जो नॉर्मल हम लोग घर पे यूज करते हैं वही, वो जनरली घर का ही मतलब वो चेक कर रहे हैं कि आपने कुछ किया, वो ऐसा कुछ अलग से नहीं कर रहा है। आटा गूंदना भी घर से ही आप सीख सकते हैं, और कुछ मतलब ऐसा नहीं है कि कुछ अलग हट के वो पूछ रहे हैं, एकदम बिल्कुल घर पर अगर प्रैक्टिस किए हो तो वो ही जाओगे। हाँ ये बात सही है सर, मैं तो इसीलिए करता हूँ जिससे आप लोगों को पता तो चलना चाहिए कि एक्चुअल में हो क्या रहा है। बस खाली घबराना नहीं है, आटा सानते समय बस अपना दिमाग कॉन्सेंट करना है कि हमको मतलब 1 मिनट मेरे पास समय है, बस उसको प्रैक्टिस कर लो घर पर तो और अच्छा होगा, और उसको बस करना है, इधर अगल बगल देखो मत क्या कर रहा है कौन। सर ग्रुप ऐप में लास्ट वाला कितने डेट तक है ये कुछ बता सकते हो? आपको कोई इसका आइडिया? क्या सर? लास्ट टेस्ट किस डेट तक हो सकता है? लास्ट, क्योंकि मेरा बैच थोड़ा सवेर में था तो हमको 3-4 घंटा बैठना पड़ा।
ओके सर। सर तो मैं आपको बोलना चाहूंगा सर, दिस संडे दोपहर 3 बजे मैं लाइव आने वाला हूँ, तो आपसे रिक्वेस्ट है संडे को मैं आपको कॉल करूंगा, तो सर मेरा कॉल पिकअप जरूर कर लेना। जी सर ठीक है सर। और साथ ही साथ जो है आपने अपना कीमती समय अपने भाइयों के लिए दिया, इसके लिए आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सर। जो है आपने भाइयों के साथ जो डाउट क्लियर किया, इसी के लिए मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। जी थैंक यू सर।